नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमा जाजू स्त्रीरोग विशेषज्ञ हूँ और गत 32 ईयर्स से इस फील्ड में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे निसंतानता या बांझपन में क्या क्या जांचें करवानी चाहिए। जब भी किसी कपल को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो दोनों को साथ में आना चाहिए और दोनों की जांचें साथ में होना चाहिए। जब हम जांचों के लिए डिसाइड करते हैं तो उसमें हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, जैसे महिला और उसके हस्बैंड की उम्र क्या है, निसंतानता का कितना समय हो गया है, मतलब कितने समय से वो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, मोटापा तो नहीं है, और यदि पहली प्रेगनेंसी हुई है तो उसको कितने साल हो गए हैं। यदि उम्र 30-32 साल से कम है और बांझपन का जो समय है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 1-2 साल का है, तो हम केवल बेसिक टेस्ट कराते हैं। बेसिक टेस्ट में थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है, जिसमें कि केवल हम TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कराते हैं। सीरम प्रोलैक्टिन, ये भी एक हार्मोन होता है, यदि ये बढ़ा हुआ हो तो अंडे ठीक से नहीं निकलते हैं और माहवारी में भी गड़बड़ी हो सकती है, तो हम इसे भी करा लेते हैं। फिर महिला में एक इंटरनल सोनोग्राफी या ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी कराते हैं या करते हैं, जिसमें कि हम यूट्रस ठीक है, अंडाशय ठीक है कि नहीं, नलिया में कोई सूजन तो नहीं है, और पेट में या पेल्विस में कहीं कोई और ट्यूमर या कोई लीजन तो नहीं है, तो इतना कुछ हम पता कर सकते हैं। और साथ में हम ओवरी में एंट्रल फॉलिकल काउंट करके ये देख सकते हैं कि किसी भी महिला में अंडे बनने की कैपेसिटी कितनी है। यदि प्रत्येक ओवरी में जो एंट्रल फॉलिकल काउंट है, छोटे छोटे फ्लूइड फिल्ड कैविटीज होती हैं, बहुत छोटी, 1-4 mm के आसपास, 2 to normally 6 to 8 mm के आसपास, उनको हम काउंट करते हैं। और यदि ये 5 to 7 ईच ओवरी, यदि प्रत्येक ओवरी में यदि होते हैं तो उसे नॉर्मल माना जाता है और ये माना जाता है कि इनमें अंडे बनने की क्षमता अच्छी है। साथ में मेल का केवल एक ही टेस्ट होता है, यानी हस्बैंड को केवल सीमन एनालिसिस कराना रहता है। यदि वो नॉर्मल है तो हम उनके लिए आगे बेसिक टेस्ट में कुछ भी नहीं कराते हैं। जब भी हस्बैंड का सीमन टेस्ट कराया जाता है तो उसमें कुछ प्रिकॉशन लेना होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है कि मिनिमम 2 to 3 days का एब्स्टिनेंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक टेस्ट करवा के फिर हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं सिंपल, 2-3 महीने के लिए हम वेट करते हैं। यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उसके बाद हम नलियों की टेस्ट करते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स जिन्हें कहते हैं, ये 2 होती हैं। यदि ये नलियाँ बंद हों तो बच्चा प्राकृतिक तरीके से नहीं ठहर सकता, तो इसके लिए जो टेस्ट होती है उसे हम कहते हैं HSG, हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। सो ये बेसिक टेस्ट होते हैं। यदि महिला की उम्र कम है और इनफर्टिलिटी ज़्यादा समय से है तो हम जो ऊपर टेस्ट बताई, थायराइड सोनोग्राफी, देन सीमन एनालिसिस, इसके अलावा हम साथ में HSG, नलियों के टेस्ट भी कर लेते हैं। यदि उम्र 35 साल से अधिक है तो हम वेट नहीं करते हैं ज़्यादा समय। बेसिक टेस्ट करने के साथ साथ एक AMH हार्मोन होता है, दैट इज एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये भी आप में अंडे बनाने की कितनी कैपेसिटी है उसको बताता है, तो
तो साथ में हम वो भी कर लेते हैं। और यदि 2-3 महीने में इनको प्रेगनेंसी नहीं होती है, और यदि कुछ भी ऐसा सिम्टम मिलता है या फिर सोनोग्राफी में कुछ ऐसा मिलता है लीजन कि इनके पेट में कुछ हो सकती है तकलीफ, तो हम लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। और यदि हमको लगता है 3D सोनोग्राफी पे कि या 2D सोनोग्राफी में कि इसकी बच्चेदानी में कोई परत है या सेप्टम है, तो साथ में हम हिस्ट्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी के साथ कर सकते हैं। तो ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन, इस तरह से हम कोई भी जो इनफर्टाइल कपल है या जो बाझपन से ग्रस्त है उनके लिए करते हैं। थैंक यू।